आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज किया है, हंसी के लिए गम कुर्बान, खुशी के लिए आंसू कुर्बान, दोस्त के लिए जान भी कुर्बान। हंसी के लिए गम कुर्बान, खुशी के लिए आंसू कुर्बान, दोस्त के लिए जान भी कुर्बान, और अगर दोस्त की गर्लफ्रेंड मिल जाए तो सारा दोस्त भी कुर्बान। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना। दोस्तों स्वागत है आपका टेकी कोर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य कुमार आज बताने जा रहा हूँ कि आप जब भी रिचार्ज कराते होंगे या फिर अगर आप खुद से करते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ हमें ऑप्शन मिलता है लोकल कॉल, एसटीडी कॉल और रोमिंग कॉल का। तो आखिर ये लोकल कॉल, एसटीडी कॉल और रोमिंग कॉल होते क्या है, तो जाने के लिए वीडियो देखते रहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो भी हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो चाहे कि चाहे एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो या आइडिया हो, ये जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन्होंने हमारा जो ऑल ओवर इंडिया जो कंट्री है, इसे जो है टेलीकॉम सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है। जी हाँ, टेलीकॉम सर्कल्स क्या होता है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो है पूरा जो इंडिया है वो हमारा, जैसे कि पॉलिटिकली आप जानते ही होंगे कि हमारा इंडिया जो है 29 स्टेट्स में बटा हुआ है, अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। क्यों? ताकि उन पर जो है कंट्रोल करने में, हर स्टेट में जो है शासन करने में जो है आसानी हो, और इजिली जो है एक अलग ही मतलब वे में जो है हम लोग उस पर बढ़िया से जो है शासन कर सके। इसलिए जो हमारे गवर्नमेंट ने जो है इस तरह से जो हमारे देश को जो है अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि इजीली जो है उन पर शासन कर सके। और उसी तरह से जो है हमारे जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया को टेलीकॉम सर्कल्स में बांट रखा है। जी हाँ, टेलीकॉम सर्कल्स। और इस तरह के जो है हमारे ऑल ओवर इंडिया जो है 22 टेलीकॉम सर्कल्स हैं, और वो टेलीकॉम सर्कल्स कौन कौन है मैं उनके लिस्ट बता दूंगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, बिहार एंड झारखंड और आसाम, इस तरह से जो है करके टोटल जो है हमारा देश जो है वो 22 टेलीकॉम सर्कल में डिवाइडेड है। और इस तरह से जो है टेलीकॉम सर्कल में डिवाइडेड इसलिए है ताकि जो है इन कंपनीज को जो है नेटवर्क जो है प्रोवाइड करने में जो है आसानी हो। तो अब बात आता है कि फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि लोकल कॉल क्या होता है। तो आप तो समझ गए कि टेलीकॉम सर्कल क्या होता है। तो हम जितने भी लोग हैं ऑल ओवर इंडिया, वो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी टेलीकॉम सर्कल में तो हैं ही। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर बिहार में है, तो मैं बिहार एंड झारखंड टेलीकॉम सर्कल में आता हूँ। तो अब देखिए, अगर मैंने कॉल किया किसी भी अदर व्यक्ति को जो कि मेरे ही टेलीकॉम सर्कल में आता है, यानी बिहार और झारखंड में ही है, मीन्स मेरे ही टेलीकॉम सर्कल में है, तो वो जो मैं कॉल करूँगा वो कहलाएगा लोकल कॉल। जी हाँ। और उसके बाद अगर मैं कॉल किसी दूसरे टेलीकॉम सर्कल में करता हूँ, मतलब अब जैसे मैं अपने घर हूँ बिहार या झारखंड में, और मैं जो हूँ मान लीजिए मैं चेन्नई कॉल करता हूँ, तो वो तो उसका तो एक अलग टेलीकॉम सर्कल हो गया, मीन्स मैं दूसरे टेलीकॉम सर्कल में कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो कॉल होता है इसको कहते हैं एसटीडी कॉल। और लास्ट जो आता है वो हमारा आता है रोमिंग कॉल। ये रोमिंग कॉल क्या होता है, तो रोमिंग कॉल देखिए, पर रोमिंग कॉल क्या होता है, तो अब जैसे कि हम जो है, जैसे मैं बिहार में हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मैं जो है अब मान लीजिए मैं असम जाता हूँ किसी काम से, तो असम पहुँचने के बाद जो है मैं किसी और टेलीकॉम सर्कल में जो है अगर कॉल करता हूँ, मान लीजिए किसी भी टेलीकॉम सर्कल में, तो तब जो कॉल होगा उसे कहेंगे रोमिंग कॉल। चाहे तो मैं असम में ही क्यों ना कॉल करूँ, लेकिन क्योंकि जो है मेरा सिम कार्ड जो भी मैंने परचेस किया है वो मेरा बिहार का है, लेकिन मैं जाकर बात कहाँ कर रहा हूँ, तो दूसरे टेलीकॉम सर्कल असम में, तो वहां पर जो कॉल हो रहा है वो हो रहा है एक रोमिंग कॉल। चाहे वो मैं अपने स्टेट में करूँ या फिर उसी स्टेट में करूँ या दूसरे स्टेट में करूँ, क्योंकि मैं अपने जिस स्टेट से मैंने सिम परचेस किया है उस स्टेट से मैं बाहर हूँ, तो वो रोमिंग कॉल कहलाएगा। तो मुझे यकीन है कि आपको जो है इनके बीच का डिफरेंस जो है पता चल गया होगा, क्या होता है लोकल कॉल, क्या होता है एसटीडी कॉल और क्या होता है रोमिंग कॉल। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई जल्दी से जाके जो है नीचे लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।